इज न्यू टॉपिक दैट इज कॉची'स लीनियर इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अपना कॉची है या नहीं। तो कैसे मालूम पड़े, देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी इक्वेशन पढ़ा हुआ है, चाहे अपन मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर पढ़ लें या फिर हम लोगों जो अभी तक नॉर्मल CF और PI निकाला हुआ है, उसमें देखो तुम्हारा क्या था, d²y/dx² का जो कोएफिशिएंट था वहाँ तुम्हारा क्या था, या तो 1 था या फिर कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कैसा होगा, यहाँ पे तुमको जो दिया है दैट इज dx², यहाँ पे तुम x² दिया हुआ है, तो अगर तुमको यहाँ भी वही चीज़ दिया होगा x² यहाँ देखो तुमको दिया यहाँ पे y, तो यहाँ तुमको x दिया यहाँ तुमको क्या दिया है, x दिया है। तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा आपका, ये कॉचीज लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक कैसा है, ठीक है। यहाँ पे बताओ कि आपको क्या करोगे, पुट, यहाँ पे पुट करोगे x = e^t। अब कॉची के हर इक्वेशन में आप इसको पुट करोगे, तो ये बताओ जब इसमें मैं लॉग अप्लाई करूँगा मैं, तो दिस बिकम्स लॉग x = t, ठीक है। जहाँ पे देखो इसको हम क्या लिखेंगे, x dy/dx को मैं आप लिखूँगा, मैं dy लिखूँगा, ठीक है। वैसे ही x²d²y/dx² को मैं लिखूँगा यहाँ पे d·d−1 × y लिखूँगा, जहाँ पे where d = d·t, ठीक है। अब ये कैसा है मैं तुम्हें बताऊँ, देखो therefore ये आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है ना हर कॉची के इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे therefore द इक्वेशन बिकम्स, देखो आपको इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे d·d−1, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन −d, यहाँ पे लिखूँगा मैं +1, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, y आएगा, यहाँ पे बताओ log x = t। तो देखो तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है वो तुम्हारे यहाँ पे नीचे में होता है कि नहीं, d·dt, मतलब इसको मैं t के एस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताओ इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, दिस इज d²-d, है ना, d²-d − d + 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो y = t लिखो, तो दिस इज d·d−1, यहाँ पे आएगा −1 d − 1, है ना, यहाँ पे लिखो y = t, तो दिस इज d·d·1² × y = t, ठीक है। तो इसका आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे, इट्स ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मतलब यहाँ पे सॉल्व करने बाद आप लोगों ने आज तक जो नॉर्मली जो सॉल्व किया हुआ है उसको आगे सॉल्व करोगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m − 1² = 0, तो m = 1, 1, तो रूल्स आर रिपीटेड, देयरफॉर CF = C1 + C2, यहाँ पे तुम्हारा t आएगा बिकॉज मैं इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, अगर x के रेस्पेक्ट में करता तो यहाँ लिखता मैं x लिखता, तो यहाँ पे तुम्हारा e·t आएगा, ठीक है। अब pi निकाल लो, pi = बताओ तुम्हें क्या होगा, 1 दैट इज d−1² यहाँ पे तुम्हारा आएगा t। अब बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर ले आऊँ, तो इसको पहले अपन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले लिखूँगा मैं, तो वी कैन री राइट दिस एज 1 − d² अब यहाँ पे जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको स्क्वायर दिया हुआ है, तो −1² तुम्हारा क्या होगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे लिखो t। अब इसको ऊपर ले आओ, दैट मीन्स 1 − d·−2, यहाँ पे लिखो t। अब यहाँ बताओ तुम्हें क्या होगा, 1 − d·−2 है, तो उसको एक्सपेंड करो, दैट इज 1 + 2d + 3d² + ……, यहाँ पे t। अब बात ये आती है कि इसको अपन कहाँ तक सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपको t दिया है कि नहीं, मतलब यहाँ तक का सॉल्व करते तो भी अपना आंसर आ चुका रहता है, इसको अपन ना लिखें तो भी चलेगा। तो देखो इसको अपन जब अंदर ले गए, दिस इज t, इसको लेके आओ, दिस इज 2, ठीक है। तो अब निकाल लो, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लो, pi निकल चुका अपना, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देखो तुम्हें क्या हो जाएगा यहाँ पे, y = CF + PI, तो CF आपका दिया हुआ था हाउ मच,
दैट इज सी वन प्लस सी टू टी ई की पावर टी प्लस पी आई दैट इज टी प्लस टू. अब वैल्यूज को रखो यहाँ पे, तो सी वन प्लस सी टू टी इज हाउ मच, टी इज लॉग एक्स, तो लॉग एक्स. अब ई की पावर टी मतलब एक्स प्लस टी मतलब लॉग एक्स. अब टू तो टू ही रहेगा. ठीक है, दिस इज माई आंसर. थैंक यू.